गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का फाटक जो अंसारी बंधुओं की एक पहचान बन चुकी है, अगर इसके कहानी की बात करें तो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी से पहले जब उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी हुआ करते थे, तब से ही लोग फाटक का नाम लिया करते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी के अपराध जगत में आने के बाद इसका क्रेज और बढ़ गया। ऐसे में इसको लेकर फाटक की चर्चा अगर देखा जाए, आइए सुनते हैं। तो उनका परिवार, खासतौर से अफजाल अंसारी तो पहले राजनीति में, इनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी के, और इसके पहले भी इनके परिवार में ब्रिगेडियर और इस तरह के लोग रहे हैं। लेकिन चर्चा में फाटक बाद में आया जब मुख्तार अंसारी अपराध जगत में उन्होंने प्रवेश किया, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फाटक का नाम लेने पे लोगों के जहन में समय तो मुख्तार अंसारी का ही चेहरा समझ में आता है। फिलहाल राजनीतिक परिवार रहा उनका, और अफजाल अंसारी मुझे लगता है कि वो यहाँ की राजनीति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से वो राजनीति में सक्रिय हुए, और उससे कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए समाजवादी पार्टी, बसपा, और इस समय तो बसपा से सांसद हैं, और फिलहाल 2024 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। उससे वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी गाजीपुर, ऐसे मैं समझता हूँ कि पीजी कॉलेज में वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और कर्मभूमि भी मोहम्मदाबाद और गाजीपुर, और शुरुआती दौर में तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में मुख्तार अंसारी और शिवकुतुल्ला अंसारी, इनके जो बड़े भाई हैं, वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। और खिलाड़ी होने के साथ साथ बाद में जो अपराध जगत में आए, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक गैंगवार हुआ करता था साधु सिंह और मकनू, इस तरह के बहुत सारे उसमें अपराध जगत में रहने वाले लोगों के साथ उनके संबंध हुए, और अब इससे उनकी एक दूसरी एक दिशा तय हुई और वो अपराध जगत का रहा। और बाद में वो काफी सक्रिय भी रहे, राजनीति में भी सक्रिय रहे, कई बार वो मऊ से विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहा कि उनका आवास तो मोहम्मदाबाद ही था, तो फाटक में रहना था, और कहीं ना कहीं वो जरूर वो परिवार माना जाएगा कि नहीं वो फाटक से रह करके इस तरह के गतिविधियों में वो संलिप्त रहते थे। पहली घटना मुझे लगता है कि सज्जनानंद राय हत्याकांड से ही उन्होंने अपराध जगत की शुरुआत की, और जब आदमी कदम आगे बढ़ाता है तो फिर वो पीछे बैक नहीं हो पाता है, और लगभग तमाम तरह के गैंगवार शुरू हुए और उनकी भूमिका बराबर चर्चा में बनी रही, जैसे भी रही। बाद में तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हुई जिसमें उनके नाम जोड़े गए।